वर्तमान तेलंगाना के हैदराबाद में 1995 में जन्म। विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक और ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी, पद्मश्री से सम्मानित। जी हाँ, सही समझे आप, हम बात कर रहे हैं भारतीय बैडमिंटन की सबसे बड़ी स्टार पीवी सिंधु की। पीवी सिंधु के माता पिता दोनों ही राष्ट्रीय स्तर के वॉलीबॉल खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन जब 2001 में पुलेला गोपीचंद ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन बने तो सिंधु बहुत प्रभावित हुई और बैडमिंटन की तरफ ही मुड़ गई। महज 8 साल की उम्र में बैडमिंटन खेलना शुरू करने वाली सिंधु ने मुश्किलों से हार नहीं मानी। जल्द ही सिंधु पुलेला गोपीचंद की कोचिंग एकेडमी में शामिल हो गई। कोचिंग कैंप सिंधु के घर से 56 किलोमीटर दूर था, परंतु वह रोज समय पर जाती थी, इससे उनके खेल में समर्पण का पता चलता है। फौलादी इरादों वाली सिंधु ने मात्र 18 साल की उम्र में महिला एकल के विश्व चैंपियनशिप का ब्रांज मेडल जीता, यह उनकी पहली बड़ी उपलब्धि थी। अगले साल फिर इस प्रतियोगिता में ब्रांज मेडल जीता। वे विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में लगातार 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी। 2017 और 2018 में बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप की एकल स्पर्धा में लगातार 2 बार रजत पदक जीता और 2019 में इसी स्पर्धा का स्वर्ण पदक भी जीता। एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों में भी सिंधु ने पदक जीते हैं, लेकिन साल 2016 में रियो ओलंपिक में तो सिंधु ने कमाल ही कर दिया। मात्र 21 साल की उम्र में रजत पदक जीतकर इतिहास रच दिया। टोक्यो ओलंपिक में भी सिंधु ने इतिहास रच दिया है। लगातार 2 बार बैडमिंटन में मेडल जीतकर भारत का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है। जय हो।